इंदौर एयरपोर्ट से एक यात्री के पास से 7 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। यात्री गुजरात के अहमदाबाद का रहने वाला व्यापारी है और कुछ समय पहले इंदौर किसी काम से आया था। वहीं एक अन्य मामले में एरोड्रम पुलिस ने देसी कट्टे के साथ एक आरोपी को पकड़ा है। दोनों मामले के पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मामला इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट का है। यहां से गुजरात के व्यापारी को चेकिंग के दौरान पकड़ा गया। इसका नाम राजेश विठल दास है। वो कुछ समय पहले काम से इंदौर आया हुआ था। वापस लौटते वक्त एयरपोर्ट पर स्कैनिंग के दौरान व्यापारी के बैग से CISF की टीम ने 7 जिंदा कारतूस और एक मैगजीन बरामद की है। मामले की सूचना CISF की टीम ने एरोड्रम थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने व्यापारी को हिरासत में ले लिया है। पुलिस पूछताछ में व्यापारी ने बताया है कि उसके पास पिस्टल का लाइसेंस है। जो लाइसेंस उसके पास मिला वो गुजरात का है। अभी जो पैसेंजर्स हैं उनकी डीप चेकिंग की जाती है, इवन एक्सरे से सामान गुजारा जाता है। तो इस दौरान एक अनम राजेश करके व्यक्ति हैं जो अहमदाबाद के रहने वाले हैं और इंदौर से अहमदाबाद की फ़्लाइट में ट्रेवल करने जा रहे थे, इंडिगो की फ़्लाइट में। उनके सामान में जो चेकिंग के दौरान स्टाफ ने जो पकड़ा उसमें 7 जिंदा राउंड थे और एक मैगजीन थी पिस्टल की। पुलिस के द्वारा पूछने पर इनके द्वारा बताया गया कि उनके पास लाइसेंस है, लेकिन लाइसेंस चूँकि गुजरात का है और उसकी सीमाएं ऑल ओवर इंडिया की नहीं है, तो इस कारण से ये 30 आर्मसेट का अपराध इनके विरुद्ध पंजीबद्ध करके गिरफ्तार किया गया है। सर क्या काम था ऐसे यहाँ पर ऐसा कुछ बता रहे हैं कि अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक कामों से आए थे, लेकिन चूँकि ये अपराध है क्लियर कट, इसमें किसी प्रकार से रिलैक्स नहीं किया जा सकता, क्योंकि व्यक्ति को लाइसेंस की शर्तों का पालन करना अनिवार्य होता है और लाइसेंस की सीमाओं का अनिवार्य होता है। और जब एयर ट्रेवलिंग के दौरान विशेषकर इस प्रकार की चीज़ें काफ़ी गंभीर घातक हो सकती हैं, इसलिए इसमें किसी प्रकार का भी रिएक्शन नहीं। पहले भी ऐसे मामले हुए हैं जिनमें पुलिस ने कार्रवाई की।